अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। तो जैसा कि हम लोग अभी आज का हमारा तीसरा लेक्चर होगा इंशाल्लाह, और हम लोग आज कोशिश करेंगे कि ऐसे चीज के ऊपर फोकस करने की कि तीन पहलू मैंने आपको बताया था। अगर करियर काउंसलिंग, आपको सक्सेसफुल करियर काउंसलिंग अगर किसी की करनी है तो तीन मैंडेटरी चीजें उसके अंदर होती है। पहला इंफॉर्मेशन या नॉलेज, दूसरा पार्ट होता है आपकी स्किल्स और आपके इवेल्युएशन की टेक्निक्स, और तीसरा पार्ट होता है आपको कोरिलेट करना, बहुत सारी अलग अलग फील्ड को आपस में कोरिलेट करना। और कोरिलेट करने करने से मुराद मेरी ये है कि बच्चे के हिसाब से उसको रिकमेंडेशन सजेस्ट करना। तो इन तीन चीजों में सबसे अहम चीज जो होती है, जो स्टार्टिंग की चीज होती है, जिसको कहीं से भी हमको आसानी से एक्वायर किया जा सकता है, वो होता है इंफॉर्मेशन और नॉलेज। इंफॉर्मेशन और नॉलेज को हम लोग एक्वायर कर सकते हैं, डिफरेंट सोर्सेज उसके अवेलेबल है, चाहे वो गूगल हो या फिर अलग अलग यूट्यूब हो या अलग अलग किताबें वगैरह के जरिए हम इसको एक्वायर कर सकते हैं, जो कि हमारे पास में अख्तियार होता है। उसके बाद जो होता है, उसके बाद की जो चीज होती है वो डिपेंड करती है आपकी एक्सरसाइज के ऊपर, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। मीन्स इवेल्युएशन हुआ, या लोगों से बातचीत करना हुआ, या काउंसलिंग के बगैर जो चीजें होती है, अगर उसमें आपको एक्सपर्टाइज चाहिए तो एक्सपर्टाइज के लिए आपको शुरुआती दौर के अंदर थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी तो आप उसमें भी हो सकता है कि माहिर हो जाए। हमारी पहली जो रिक्वायरमेंट है हम उसके ऊपर अभी है कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज को अपने आप को इक्विप्ड करना, कि बेसिकली जो ट्रेडिशनल कोर्सेज है या जो ट्रेडिशनल फील्ड से या मोस्ट डिमांडिंग या मोस्ट प्रिफर्ड कोर्सेज जो होते हैं, हम एटलीस्ट पहले उनके ताल्लुक से एक ब्रीफ ब्रीफ नॉलेज या जितना हो सका उतना डीप में हम लोग समझ ले। उसके बाद में हम लोग फिर एक एक करके दिगर चीजों के ऊपर जाएंगे, जिसकी शुरुआती दौर में हम लोगों ने ये देखा कि हम लोगों ने प्राइमरी सिस्टम से लेकर हायर सेकेंडरी और जूनियर कॉलेज का एजुकेशनल सिस्टम के डिफरेंट जो बोर्ड्स होते हैं, लास्ट लेक्चर का मैं तशरीह कर रहा हूँ आपके सामने, समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिफरेंट बोर्ड्स जो होते हैं उनका इंतखाब कैसे किया जाता है, उनका सिलेक्शन कैसे किया जाता है, और सिलेक्शन के साथ साथ वो कोर्सेज जो होते हैं, हमारे पर्टिकुलर कोर्सेज या पर्टिकुलर जो बोर्ड्स होता है उनकी नोयत क्या होती है, उनका नेचर क्या होता है, उनका फोकस क्या होता है, और उनका करिकुलम किस चीज के लिए खास बना होता है, हमारे माइंडसेट के हिसाब से, हमारे फ्यूचरिटिक स्कोप जो हम लोग देख रहे हैं उसके हिसाब से हम तय करते हैं कि हमको कौन सा बोर्ड सिलेक्ट करना है। तो बोर्ड सेलेक्ट करने के अंदर आसानी हो या उसमें कुछ हमें मदद मिले या हम किसी की मदद कर सके हमारे काउंसलिंग के करियर के दौरान, इसलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग किए थे वहीं से, शुरुआती दौर से, कि करियर काउंसलिंग में अगर कोई हमारे पास स्कूल सेलेक्ट करने के लिए आता है, कॉलेज सेलेक्ट करना तो एक दूर की बात है, अगर कोई हमारे पास स्कूल सेलेक्ट करने के लिए आता है तो हम लोग उसको बेहतरीन तरीके से गाइड करें। ओके, ये पर्टिकुलर बोर्ड आपके लिए ज्यादा मुफीद है, पर्टिकुलर बोर्ड आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि आपका ये विजन है आपके बच्चे के ताल्लुक से। अब हम लोग धीरे धीरे कर एक कोर्सेस की तरफ दौड़ेंगे और कोर्सेस की तरफ हम लोग जंप लगाने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक सबसे बड़ा कोर्स जो आज के इस पर्टिकुलर हमारे जो माशरे के अंदर माना जाता है सबसे अच्छी फील्ड या ट्रेडिशनल कोर्सेस के अंदर जिसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन है, वो है द फील्ड ऑफ मेडिसिन। ओके, तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि मेडिसिन की फील्ड में कौन से सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है और हम धीरे धीरे करके कि कुछ गौर करेंगे। मैं आज, चूंकि मेडिसिन भी एक वसी फील्ड है, बहुत ही वाइड फील्ड होने की वजह से, आज मैं कोशिश किया हूं और टारगेट बना के रखा हूं कि मेडिसिन में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स होता है एमबीबीएस, हम कोशिश करेंगे इस इन 1.5-2 घंटे के दौरान कि हम लोग सिर्फ एमबीबीएस के ऊपर बात करें। फिर अगर वक्त मिलता है तो हम लोग उसकी काउंसलिंग प्रोसेस को जानने की कोशिश करेंगे कि अगर उसका काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके से होता है। पहले हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हम लोग एमबीबीएस को अगर इस लेक्चर में कवर कर लेते हैं तो हम लोग दिगर कोर्सेज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे या उस पर जम करेंगे, अदरवाइज हम लोग दिगर कोर्सेज को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक
सब बच्चों के जहन में होता है और मैक्सिमम बच्चे इस एग्जाम्स के लिए या इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स का अपना खुद का भी ख्वाब होता है कि अपने बच्चों को डॉक्टर होता हुआ देखे। ओके, तो सबसे पहली जो चीज मैं आपके सामने जो पेश करूंगा कि 12th जब स्टैंडर्ड बच्चा पास होता है साइंस स्ट्रीम से, तो साइंस स्ट्रीम करने के बाद उसके पास जो सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला जो शोभा होता है साइंस के बाद में, या तो एमबीबीएस होता है, या एमबीबीएस के बाद जो डिगर लिस्ट है कोर्सेस की वो हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, या फिर इंजीनियरिंग होता है। अगर वो मेडिकल फील्ड में नहीं जाना चाहता है तो उसका अल्टरनेटिव जो होता है, उसके बरक्स जो फील्ड होती है वो इंजीनियरिंग होती है, जिसमें मैथ्स की जगह अगर उसका बायोलॉजी है, सॉरी बायोलॉजी की जगह उसका अगर मैथ्स है, तो वो फील्ड कोशिश करता है कि टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर अपना करियर बनाए। ओके, तो ये दो मैक्सिमम फील्ड जो होती है, आज हम इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। 12वीं के बाद सिर्फ और सिर्फ साइंस के बाद सिर्फ और सिर्फ ये दो फील्ड है, ऐसा कतई नहीं है। हम लोग एक एक करके सारी फील्ड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो मेजरली ऑप्टेड फील्ड होती है, या जो हायर जिसका रेट होता है प्रेफरेंस का, ऐसे कोर्सेज के बारे में, जिसमें एक के बारे में हम लोग कोशिश करेंगे कि मेडिकल में कौन कौन से मौके अवेलेबल है। जी पीसीबी के बाद अगर किसी बच्चे का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ग्रुप है, दो ग्रुप जनरली होते हैं 11th और 12th साइंस में, जिसमें पहला ग्रुप पीसीबी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। पीसीबी के बाद उसके जो ऑप्शंस बच जाते हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड में जाए, मेडिकल फील्ड की कुछ मखसूस फील्ड होती है जिसको हम लोग ट्रेडिशनल मेडिकल फील्ड कहते हैं, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस या बीएएमएस। इसमें से दो फील्ड को एक अलग ग्रुप में रखा गया है, मेडिकल एमबीबीएस और बीडीएस को ग्रुप ए कहा जाता है, और जो आयुष कोर्सेस होते हैं बीयूएमएस, बीएचएमएस और बीएएमएस, इन फील्ड को एक अलग मखसूस कैटेगरी में रखा गया है जिसको बी ग्रुप कहते हैं। हम काउंसलिंग के दौरान इसकी जरूरत पड़ती है, अगर हम लोग काउंसलिंग पढ़ेंगे तो उस वक्त हम लोग देखेंगे। फिर दूसरा, अगर ऑप्शंस अगर बच्चों का मेडिकल फील्ड में जाना है लेकिन ऑप्शंस चूंकि नीट में इतना स्कोर नहीं आ पाया, और ज्यादा स्कोर नहीं आने की वजह से अगर एमबीबीएस में, बीडीएस में या आयुष कोर्सेज में एडमिशन नहीं होता है, तो फिर बच्चा ऑप्ट करता है पैरामेडिकल कोर्सेज को। पैरामेडिकल कोर्सेज का इन शॉर्ट मतलब ये होता है कि डॉक्टरी लाइन के अंदर या हॉस्पिटल में डॉक्टर के असिस्टेंट या डॉक्टर को असिस्ट करने वाले प्रोसेस जो होते हैं वो पैरामेडिकल कोर्सेज कहलाते हैं। या फिर बच्चा एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस में जाने की कोशिश करता है, या फिर बच्चा फार्मेसी के बारे में सोचता है, मरीन साइंस के बारे में सोचता है, रिसर्च के बारे में सोचता है, बायोटेक के बारे में सोचता है, या वेटरनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री के बारे में सोचता है, या फॉरेंसिक साइंस के बारे में सोचता है। हमें दिगर कोर्सेज के बारे में तो आज डिस्कस नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे आज एक पर्टिकुलर फील्ड जो है मेडिकल की उसके ताल्लुक से, लेकिन मैं आपको ब्रीफ दे दूं जितना हो सके उतना। एमबीबीएस के लिए खास जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर बच्चा लेता है, देन ही इज एलिजिबल टू अपियर फॉर द हाईएस्ट डिमांडिंग एग्जाम, दैट इज नीट, ऑल इंडिया एग्जाम। एक जमाने में ऑल इंडिया पीएमटी हुआ करता था, आज उसको रिप्लेस कर एनसीईआरटी ने उसको एक अलग नाम देकर कहा है कि इसका एग्जाम नाम होगा एआई पीएमटी की बजाय नीट। ओके, तो ये जो नीट का एग्जाम होता है ये मखसूस तौर पर डिजाइन किया गया है आयुष कोर्सेस और मेडिकल कोर्सेस के लिए। ओके, जिसमें एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएमएस और बीएचएमएस, इन कोर्सेस का शुमार होता है। दोनों प्रोसेस की जो काउंसलिंग होती है वो अलग अलग होती है, यानी मेडिकल के मेडिकल और एमबीबीएस ए ग्रुप की काउंसलिंग अलग होती है, और बी ग्रुप की काउंसलिंग जिसमें आयुष कोर्सेस आते हैं तीनों कोर्सेस, उसकी काउंसलिंग अलग होती है।
और एक मखसूस कोर्स इसके अलावा जो माना जाता है वो बीएससी नर्सिंग। बहुत सारे लोग बीएससी नर्सिंग के बारे में सोचते नहीं है, लेकिन एमबीबीएस में नंबर नहीं लगता है, आयुष कोर्सेज में भी नहीं लगता है, तो नर्सिंग के जरिए भी इस फील्ड के अंदर वो अपना करियर बना सकते हैं। 4 साल का खास तौर पे कोर्स होता है। पैरामेडिकल कोर्सेज के जो एडमिशंस होते हैं, जो नीट के थ्रू एडमिशन होते हैं, वो नीट के थ्रू कोर्सेज में एक चंद कोर्सेज इसमें है। इसमें पहला कोर्स है फिजियोथेरेपिस्ट, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जिसको कहा जाता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इसके भी 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस है और 90-90 सीट्स अवेलेबल है, टोटल 90 सीट अवेलेबल है। उसके बाद में लैंग्वेज एंड स्पीच थेरेपी, ये कोर्स होता है, और ऑस्थेटिक एंड प्रोस्थेटिक ये कोर्स होता है। ये सब बैचलर ऑफ साइंस के कोर्सेस है जो नीट के जरिए जिनमें एडमिशन होता है। पैरामेडिकल के सिर्फ ये जो कोर्सेस आपके सामने मैंने पेश किया हो, 5 कोर्सेस, इन्हीं का एडमिशन नीट के जरिए होता है। और बैचलर ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री कोर्सेस, ये कोर्सेस का एडमिशन 3 कैटेगरी होगी अभी हमारे पास। एक कैटेगरी जिसमें एमबीबीएस और बीडीएस आता है, दूसरी कैटेगरी जिसमें आयुष कोर्सेस आते हैं, बीएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस, जिसको बी कैटेगरी कहा जाता है। दोनों के लिए क्वालिफाइंग स्कोर होना जरूरी है, यानी हम लोग देखेंगे कि एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो 720 मार्क का होता है, और 720 मार्क में से हर साल एक क्वालिफाइंग परसेंटाइल डिसाइड करता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम लेती है नीट का। वो ये डिसाइड करता है कि हर साल क्वालिफाइंग स्कोर क्या होगा। क्वालिफाइंग स्कोर वाले लोग ही एमबीबीएस के ए ग्रुप, सॉरी मेडिकल का ए ग्रुप और बी ग्रुप, आयुष ग्रुप का फॉर्म भर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या उनके अंदर दाखिला ले सकते हैं। ओके, उसके अलावा बहुत सारे लोग जो होते हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर वो दूसरे कोर्सेज के बारे में सोचते भी नहीं है। ऐसे लोग भी नीट के जरिए क्वालिफाई नहीं होते तब भी इन सारे कोर्सेज के अंदर दाखला क्वालिफाइंग स्कोर के बगैर होता है। जैसे कि इस साल का स्कोर तकरीबन 136 या 134 के करीब था 720 में से, यानी जिन बच्चों को 720 में से 136 के करीब मार्क्स मिले थे वही बच्चे क्वालिफाइंग, अपने आपको क्वालिफाइड कहलवाते हैं, नीट क्वालिफाइड, और वो बच्चे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल थे, चाहे वो इंस्टीट्यूट लेवल का कोर्स हो, इंस्टीट्यूट लेवल का कोटा हो, चाहे वो सीटी के थ्रू या नीट के थ्रू कोर्स। और महाराष्ट्र में या पूरे इंडिया में कहीं भी, अब बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं जिनके लिए एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ती है। एंट्रेंस एग्जाम मतलब नीट की जरूरत जिसमें नहीं पड़ती है, वो कोर्सेज में जो सबसे पहला कोर्स है डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिसको हम लोग डी फार्म कहते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन। मैम नाजिया सुहेल कुछ बोलना चाहते हैं, शुड आई इंटरप्ट, बोलिए मैम। सर नर्सिंग के लिए नीट चाहिए या नहीं चाहिए? नर्सिंग के लिए नीट कंपलसरी है, लेकिन नीट के लिए, नर्सिंग करने के लिए नीट जरूरी है, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क नहीं भी रहे तब भी एडमिशन मिलता है। ओके ओके, हाँ आप समझ रहे डिफरेंस, यानी अगर आपको हम लोग पासिंग किसको कहते हैं, अगर 100 में से 35 मार्क्स भी मिल गया, हाँ, exactly, तो नीट का 35 मार्क्स कहलाता है उस साल का क्वालिफाइंग स्कोर। ओके, वो हर साल उसका एक अलग अलग फॉर्मूला लगता है कि कितने बच्चे अपियर हुए, हाईएस्ट रैंक वाला कितना था, उसके बेस पे एनटीए कैलकुलेट करता है कि इस साल का क्वालिफाइंग स्कोर कितना है। तो पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जो नीट के थ्रू एडमिशन होता है, जिसमें बीएससी नर्सिंग भी आता है और फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह जो कोर्सेस मैंने कहा आपको, उनके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप क्वालिफाइंग स्कोर लाए नीट। ठीक है, ओके। डायलिसिस टेक्नीशियन, डेंटल मैकेनिक, जो दांत जो बनाते हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि दांत का जो कैप होता है या जो दांत का जो ब्रिज होता है, वो जो मैकेनिक बनाते हैं उनको डेंटल मैकेनिक कहते हैं, या डेंटल हाइजीनिस्ट भी एक कोर्स होता है। रेडियोलॉजिस्ट जो एक्सरे वगैरह में जो एमडी रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, या डीएमआरडी जो डॉक्टर्स होते हैं उनके जो असिस्टेंट होते हैं वो रेडियोलॉजिस्ट का काम करते हैं। ऑप्टोमेट्री, ऑप्थेल्मिक डॉक्टर्स जो होते हैं, जो आंख के डॉक्टर होते हैं उनका चश्मा बनाने के लिए या फिर उनके साथ में काम करने के लिए, उनके असिस्टेंट के लिए ऑप्टोमेट्री का कोर्स होता है।
कार्डिक मशीन टेक्नीशियन के लिए कोर्स होते हैं, जो खास तौर पर जब एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी होती है तो उस कैथ लैब के अंदर जो काम करता है, जहां पर एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी होती है ना, उस लैब को कहा जाता है कैथ लैब। और दूसरी एक लैब होती है जिसको डायलिसिस लैब कहा जाता है, जहां डायलिसिस होता है, वहां पर जो एमडी डॉक्टर का जो सपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है उसको डायलिसिस टेक्नीशियन कहते हैं। और कार्डिक मशीन को जो कंट्रोल करता है एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी के साथ में डॉक्टर को असिस्ट करता है वो कार्डिक मशीन टेक्नीशियन होता है। या इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो होती है वहां पर भी इस्तेमाल होता है। ओके, अब उसके बाद जो वेरियस एंट्रेंस एग्जाम होते हैं खासतौर पर, अब मैं एमबीबीएस के बारे में खासतौर पर बात करूंगा। एमबीबीएस के एडमिशन के लिए या एमबीबीएस हम लोग प्राइमरी चीज एमबीबीएस पकड़ के चले कि जैसे जैसे आपका परसेंटेज वैरी होता है, जैसे जैसे आपका नीट का स्कोर वैरी होता है, उसके हिसाब से आपको कोर्सेस मिलते हैं। यानी जनरली मोस्ट प्रेफर कोर्सेस में मेडिकल में एमबीबीएस होता है, उसके बाद बीडीएस, फिर बीएएमएस, बीओएमएस, बीएचएमएस, इस तरीके से तरतीब होती है। और उसके बाद पैरामेडिकल कोर्सेज की लिस्ट शुरू होती है अगर बच्चा ऑप्ट करता है नीट के थ्रू। तो जनरली एमबीबीएस इज द मोस्ट प्रेफर्ड कोर्स। हम लोग कोशिश करेंगे कि एमबीबीएस के खास तौर पर एमबीबीएस के दिगर कोर्सेज के साथ मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम या सिर्फ एमबीबीएस के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है मशहूर कोर्सेज। ओके, इसमें सबसे पहला एग्जाम जो ऑल इंडिया लेवल के ऊपर होता है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे अपीयर होते हैं वो है नीट, जिसकी सीट्स एमबीबीएस की 66,000 के करीब सीट्स होती है। एम्स भी अपना एक खुद का एक एग्जाम लेता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जिनके कुछ तकरीबन 5 या 8 एमबीबीएस के कॉलेज होते हैं ऑल इंडिया में, वो अगर अपना एग्जाम कंडक्ट करता है 1200 सीट के लिए, जिसमें निहायत ही 5,000 के करीब फीस होती है। एमबीबीएस का कॉलेज जहां पर 5,000 ओपन बच्चे की फीस होती है, तो उसके लिए 3,00,000 बच्चे फॉर्म भरते हैं। जेपीएमआईएमईआर ये एक इंस्टीट्यूट होता है जिसको 1.5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं 200 सीट्स के लिए, ये प्रीमियम इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। अब एमबीबीएस एक्चुअल में होता क्या है, प्रोमिनेंट कोर्सेस होता है सबको पता है, लेकिन मैं आपको सबको रिवाइज करने के लिए यहां पर कहूंगा कि एमबीबीएस का जो ड्यूरेशन होता है वो 5.5 साल का होता है, जिसमें एकेडमिक ईयर उनका जो माना जाता है वो 1.5 साल का एकेडमिक ईयर माना जाता है। उस 1.5 साल के बाद एग्जाम होता है, तकरीबन 3 उसके अलग अलग एकेडमिक ईयर्स माने जाते हैं। 4.5 साल का कोर्स हुआ और 1 साल की रोटेटरी इंटर्नशिप होती है 6-6 महीने की। अब उसके बाद जो एक सबसे बड़ा सवाल बच्चे के जहन में या किसी भी काउंसलर के पेरेंट्स के जहन में आता है कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इन दिगर तीनों भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो मिनिमम एज जो है वो एटलीस्ट 17 इयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम एज के ऊपर एक पहले एक रूल हुआ करता था 25 साल का, लेकिन बीच में किसी ने ज्यादा साल के बच्चे ने भी फॉर्म भरा और वो कोर्ट में केस चला और बाद में उसको भी परमिशन मिली। तो अपर लिमिट के बारे में अभी भी थोड़ा डायलेमा है, अपर लिमिट के बारे में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओके, क्वालिफाइंग जो मार्क्स होता है एग्जामिनेशन होता है कि 10+2 या 12 विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और इंग्लिश एज अ वन सब्जेक्ट, ये कंपल्सरी होता है। और आपको 12th में एटलीस्ट पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो अक्सर 100-100 मार्क्स का होता है, इनमें आपको 300 में से 150 मार्क्स या 50% आपको लाना जरूरी होता है, तभी जाकर आप एमबीबीएस के लिए एलिजिबल होते हैं। एम्स का यही क्राइटेरिया जो है जनरल बच्चों के लिए 60 हो जाता है, जेआईपीएमईआर का क्राइटेरिया भी 60 हो जाता है, एससी और एसटी बच्चों के लिए ये रिलेक्शन 40 है। ओके, एम्स में ये 50 है और जेआईपीएमईआर में ये 50% है। फिजिकली हैंडीकैप के लिए ये क्राइटेरिया और कम हो जाता है, 45 हो जाता है, चाहे वो ओपन कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये तो एक बेसिक चीज है, ये बहुत सारे बच्चों को ये दिमाग में नहीं रहता है कि हमको नीट के स्कोर के साथ साथ, फॉर एग्जांपल अगर आपका नीट का स्कोर 720 में से 720 है, लेकिन अगर आपको मार्क्स 12th के बोर्ड में अगर आपको सिर्फ 149 मार्क्स है पीसीबी में, तो आप
एमबीबीएस के एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होते, चाहे आपको टॉप रैंकिंग आ जाए आपके नीट के एग्जाम। तो ये समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ आपको 12th का जो वेटेज रखा गया है, आपको 50% मार्क्स लेना है पीसीबी में, और उसके साथ साथ आपको नीट के अंदर जो भी उसका क्राइटेरिया रैंकिंग आती है, ऑल इंडिया रैंक या स्टेट रैंक, वो उसके जरिए आपका एडमिशन हो। सिलेबस क्या होता है नीट का, आपको पता है कि सिलेबस का, इसका जो सिलेबस कल ही आपको डिस्कस किया था जब हम लोग सीबीएसई के ताल्लुक से डिस्कस कर रहे थे, तो सीबीएसई और एनसीईआरटी का जो सिलेबस होता है, चूंकि इसको सीबीएसई और एनसीईआरटी के थ्रू गॉन किया जाता है, तो वो अपने सिलेबस के ऊपर इसका एग्जाम लेते हैं। एनसीईआरटी का सीबीएसई का सिलेबस होता है, चाहे हम लोग स्टेट बोर्ड से पढ़ो या किसी और बोर्ड से पढ़ते हो, हमको वही एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो इसलिए हमको उनके सिलेबस को गो थ्रू करना पड़ता है बच्चे को, और उसके मुताबिक उसको पढ़ाई करनी होती है। ज्यादातर बोर्ड्स ने जो अपना सिलेबस को सीबीएसई के 11, 12 से मैच करने की कोशिश की करी है, और वो कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को नुकसान ना हो, इसलिए हम लोग प्रिफर करें ऐसा ही निजाम को जिसमें सीबीएसई के सारे चैप्टर्स कवर हो जाते हैं। इक्का दुक्का चैप्टर्स या इक्का दुक्का टॉपिक्स के अंदर वेरिएशंस होते वो नीट की तैयारी के दौरान बच्चा कवर कर लेता है। अब नीट को जो लेता है, जो एग्जाम कंडक्ट करता है, पहले ये आपका एनसीईआरटी इसका कंडक्ट करता था, मैंने कल जैसे कहा आपको, अब कुछ सालों से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो डिपार्टमेंट है, उसने बाकायदगी से अभी एक अलग डिपार्टमेंट ही बना दिया जो देगर बहुत सारे टेस्टिंग के एग्जाम्स लेती है, एंट्रेंस एग्जाम लेती है, इसको एनटीए कहा जाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का काम अक्सर बहुत सारे इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए या फिर टेट वगैरह सीटी के लिए भी होता है। क्या करना पड़ता है हमको नीट का अप्लाई, नीट के लिए अप्लाई करने के लिए, या अगर सपोज नीट के काउंसलिंग के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ या काउंसलिंग के प्रोसेस में जा रहा हूँ, तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म मैं कैसे भरूं, कौन सी स्टेप्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले नीट का फॉर्म भरा, नीट का फॉर्म उमूमी तौर पर 12वीं के एग्जाम होने से पहले ही आ जाता है। नीट का एग्जाम का फॉर्म बच्चा भर रहा है और उसका एग्जाम जो होता है जनरली जून में या जुलाई में इसका नीट का एग्जाम होता है। तो एग्जाम होने के बाद में पहला काम होता है रजिस्ट्रेशन फिल करना पड़ता है हमको, उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो सारी पर्सनल डिटेल्स हमने पुट की हुई है, अकेडमिक क्वालिफिकेशन हमको पुट करना पड़ते हैं, फोटोग्राफ पुट करना पड़ते हैं और एप्लीकेशन की फीस पे करनी पड़ती है। ओके, ये तो जनरली किसी भी एग्जाम्स का जो प्रोसेस होता है उसी तरीके का प्रोसेस है। आपको एनटीए की वेबसाइट पे जाना होता है, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, साइन अप करना पड़ता है, एक पासवर्ड आपको बनाना पड़ता है, लॉगिन करने के बाद फिर आप आगे के प्रोसेस में अपनी पर्सनल डिटेल्स, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके पेरेंट्स की डिटेल्स वगैरह पुट करते हैं। ओके, अब ये मोड क्या होता है इसका, इसका जनरली मोड जो होता है ऑफलाइन होता है, पेन और पेपर का एग्जाम होता है, 3 घंटे का इसका ड्यूरेशन होता है नीट का, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और 720 मार्क्स का टोटल वेटेज होता है, जिसमें से बायोलॉजी को 50% का वेटेज दिया है और 25% फिजिक्स और केमिस्ट्री को दिया हुआ है, जिसमें 45 क्वेश्चंस जो होते हैं फिजिक्स के आते हैं, 45 क्वेश्चन जो होते हैं बायोलॉजी के आते हैं और 90 क्वेश्चन जो होते हैं बायोलॉजी के आते हैं। 4 करेक्ट आंसर्स, 1 क्वेश्चन को अगर आप सही आंसर आता है आपको तो 1 क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आपका 1 क्वेश्चन गलत आता है तो आपको -1 मार्क, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। इसीलिए बच्चे अगर अनआंसर्ड छोड़ते हैं तो उसमें आपके नेगेटिव मार्क्स भी कट नहीं होते हैं। तो जनरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर पहले जो महाराष्ट्र लेवल का सीटी का एग्जाम होता था उसमें खास तौर पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन नीट में नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप सीट रिजर्वेशन का देखेंगे तो ऑल इंडिया लेवल के ऊपर कितना कोटा है, 15% ऑफ सीट्स, और स्टेट लेवल के ऊपर कौन सा कोटा है। जनरली जो सीट का बैफरकेशन होता है किसी कॉलेज के अंदर, 15% सीट अलॉट की जाती है ऑल इंडिया से आने वाले बच्चों के लिए
और 85% सीट जो अलॉट की जाती है वो उस स्टेट के कोटे के हिसाब से होती है। ओके, ये 15% को बाइफरकेशन किया गया है, उसमें से एससी कितने होंगे, एसटी कितने होंगे, ओबीसी कितने होंगे और फिजिकली हैंडीकैप कितने होंगे। अब इसमें जो एक चीज और होती है कि जो अगर फॉर्म फिल किया मैंने, फॉर्म फिल भरने करने का जो प्रोसेस है वो अपनाया, एग्जाम मेरा हुआ, एग्जाम के बाद में मेरा रिजल्ट आता है, उसके बाद मुझे रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन मैं करता हूँ काउंसलिंग के लिए। सपोज अगर आपको एडमिशन एक्वायर करना है किसी चीज पर्टिकुलर फील्ड में, तो आपको एडमिशन कैसा मिलेगा, आपको 720 में से 700 मार्क्स आ गए, अब आप क्या करेंगे। तो दो तरीके की काउंसलिंग होती है, एक काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया कोटे के लिए और दूसरी काउंसलिंग होती है स्टेट लेवल कोटे के लिए। यानी अगर मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं तो महाराष्ट्र के जितने कॉलेजेस होते हैं वहां पर मेरा जो वेटेज है वो 85% हो जाता है, और देगर कोर्सेस देगर स्टेट में जो कोटा है वहां पर मेरा हक जो है 15% रहता है मेरे कोटे के हिसाब से। ओके, तो ऑल इंडिया कोटा जो होता है उसमें अगर मुझे अप्लाई करना है तो उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अलग होता है और स्टेट गवर्नमेंट का जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है वो अलग होता है। पहले काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होता है ऑल इंडिया कोटे का, जिसका ऑल इंडिया कोटे की जो काउंसलिंग होता है वो एमसीसी लेती है। ओके, मेडिकल काउंसिल कमिटी, ये काउंसलिंग कमिटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसमें जाके हमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में हमको वहां पर उसकी एक पर्टिकुलर फीस होती है, वो फीस पे करनी पड़ती है, हमारी डिटेल्स डालनी पड़ती है, हमारा स्कोर डालना पड़ता है, फिर जाके हम लोग एलिजिबल होते हैं स्टेट कोटे के, स्टेट कोटा सॉरी सेंट्रल कोटे के। सेंट्रल कोटे में और एक बात बताना चाहूंगा मैं, काउंसलिंग के दौरान फर्स्ट राउंड होता है, फिर उस फर्स्ट राउंड में अगर हम लोग को एक पर्टिकुलर हम लोग अगर ऑप्शन फॉर्म डालते हैं उसमें चॉइसेस होती है अलग अलग कॉलेजेस की, वो कॉलेजेस की लिस्ट में अपने हिसाब से पुट करता हूं, और पुट करने के बाद अगर मेरा एडमिशन फला फला कॉलेज में होता है और मुझे वहां एडमिशन नहीं लेना है तो मैं रिटेंशन का फॉर्म नहीं भरता हूं, तो मैं नेक्स्ट राउंड के लिए अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल होता हूं। अगर मैं इंटरेस्टेड हूं जहां मेरा एडमिशन हुआ वहीं, तो मैं रिटेंशन का फॉर्म भर के एडमिशन को कंफर्म कर लेता हूं। एक बार रिटेंशन का फॉर्म मैंने फिल कर दिया तो मैं आगे के राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होता। सेम उसी तरीके से सेकेंड राउंड होता है, अगर सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, अगर कंफर्म चाहते हैं तो रिटेंशन का फॉर्म भर लो, अदरवाइज आप अपग्रेडेशन के लिए नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं विदाउट रिटेंशन फॉर्म भर। सिमिलर काउंसलिंग जो होती है स्टेट लेवल के ऊपर वो करता है स्टेट लेवल। महाराष्ट्र में जो होता है अलग अलग बोर्ड होते हैं, जिसके महाराष्ट्र में महासीईटी.org यानी महाराष्ट्र का एक सीईटी सेल होता है, वो इसके काउंसलिंग के प्रोसेस को गवर्न करता है। वहां पर जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वहां पर डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है फिजिकल, पहले कोरोना की वजह से फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था, फिर उसके बाद में काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, आप ऑप्शन फॉर्म भरते हैं, ऑप्शन फॉर्म के साथ साथ आपका फर्स्ट राउंड की लिस्ट आती है, आपको स्टेट मेरिट लिस्ट का एक नंबर मिलता है, आपका दो नंबर होते हैं मेरिट के, एक आपका ऑल इंडिया रैंक और दूसरा स्टेट मेरिट लिस्ट का रैंक, उसके हिसाब से आपका एडमिशन अगर आपको किसी कॉलेज में मिलता है तो आप उसमें कंटिन्यू करना चाहते हैं तो रिटेंशन का फॉर्म भरिए, नहीं कंटिन्यू करना चाहते तो आप डेगर राउंड के लिए एलिजिबल है। उमूमी तौर पर सीटी जो होती है स्टेट लेवल की जो काउंसलिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की या ऑल इंडिया कोटे के बाद शुरू होती है। ओके, इसके अलावा एमबीबीएस का जो एक दूसरा जो अदारा है जो इसको हम लोग एम्स कहते हैं, एम्स के जो अलग अलग मुख्तलिफ मैंने आपको बताया कि जो उसके 1200 सीट्स का जो बाइफरकेशन है इस तरीके से अलग अलग जगह पे, दिल्ली के अंदर बठिंडा में, कल्याणी में, नागपुर में, रायबरेली में, पटना में, ऋषिकेश में, तेलंगाना में, ये अलग अलग जगह पे उसके एडमिशन अदारे हैं जिसमें वो उसके लिए स्पेशल एक अलग से एग्जाम लेता है। अगर एम्स के एंट्रेंस एग्जाम की बात करें हम लोग तो एम्स, शबाना मैडम कुछ पूछना चाहते हैं? यस मैडम। सर आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, एम्स एंड जिपमर एग्जाम कैंसिल हो गया है, नीट के अंदर ही लेना है, इसीलिए कोई स्टूडेंट अगर वो चाह रहे हैं एम्स एंड जिपमर में जाना तो दे हैव टू गिव नीट ओनली। ओके ओके, ये दो तीन साल से हो गया है। यस सर जी, सो दे डोंट हैव टू मिस द नीट डेडलाइन सर। Very important. Even if they want to go for AIIMS and JIPMER, they'll have to give NEET. Yes.
ओके जजाक अल्लाह मैम फॉर अपडेट. सिमिलरली JIPMER मैडम. यस सर, जिपमर एंड एम्स बोथ एग्जाम्स आर कैंसिल्ड फॉर दोस टू इंस्टीट्यूट्स आल्सो दे हैव टू गिव नीट ओनली. ओके जजाक अल्लाह जजाक अल्लाह. वेरी इंपॉर्टेंट, रजिस्ट्रेशन हैज नॉट ओपनड. So if okay. any student is preparing, they have the still time, you know, okay, and it okay. will open, they can register. And the paper is on 7th May. Jazakallah, jazakallah. Yes. Abhi NEET ka jo last date kitni hai, aapne dekhe? NEET ka form bhar nahi. Sir, 7th. Form khula hi nahi hai, sir. Okay, okay. Haan, that's the good news. Lekin 7th May date aa chuki hai. Yes, date aa chuki hai. Lekin bahut jaldi hai. Yes, sir. Khair. And the pattern of filling the form, registration form is also a little, thoda sa last year se change hua hai because they take the postcard size photo. Achha. Usko achche se follow up karke bharna hota hai. Nahi, postcard size to last year. Postcard size to last year bhi tha. Last year my daughter had given, so that is why I'm updated. This year also she's given. Yes. जी जज़ाकअल्लाह. तो MBBS के तालुक से हम लोग और एक चीज देख लेंगे कि बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि भाई MBBS के बाद में क्या होता है. MBBS के बाद में खास तौर पर अगर सिर्फ हम लोग MBBS करते हैं तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि MBBS के बाद में उतना वैल्यूएशन नहीं होता है जितना हम लोग MBBS के बाद में PG कोर्स करते हैं. सिमिलर प्रोसेस एक PG नीट एग्जाम भी होता है. MBBS के बाद में दो बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं जिसको PG डिग्री कहा जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कहा जाता है. एक तो अगर हमको मेडिसिन सिलेक्ट करना है तो मेडिसिन, या फिर हमको सर्जरी सिलेक्ट करना है तो MS जिसको कहा जाता है, मास्टर ऑफ सर्जरी या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन MD. इसके अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं जैसे कि ऑर्थोपेडिक, पेडियाट्रिक्स, कार्डियोलॉजी, ओके, गायनेकोलॉजी, न्यूरो सर्जरी या न्यूरो फिजिशियन जिसको मे बी MBBS होता है, MD मेडिसिन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, या और एक फील्ड इसमें होती है फार्माकोलॉजी. ये उमूमी तौर पर 3 साल का कोर्स होता है. इसके अलावा भी सुपर स्पेशलिटी के जो कोर्सेज होते हैं, इसलिए मैंने कुछ आपके सामने ये कट करने की कोशिश किया है, जिसमें MS करने के बाद भी कुछ सुपर स्पेशलिटी के कोर्सेज होते हैं. अगर आपको पीडियाट्रिक सर्जन बनना है, यानी बच्चों की सर्जरी करना है, तो ये MBBS के बाद MS करने के बाद, MS जनरल सर्जरी में करने के बाद भी आपको पेडियाट्रिक सर्जरी का एक सुपर स्पेशलिटी का कोर्स होता है. इसकी सीट जो होती है बहुत कम होती है KM वगैरह ग्रांड मेडिकल कॉलेज जैसे कॉलेजेस में. न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रियो एंट्रोलॉजी, कार्डियो थोरासिक सर्जरी, एंडोक्रोनोलॉजी, कॉनिटो यूरिन सर्जरी, क्लिनिकल हेमेटोलॉजी, तो ये अलग अलग तरीके सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज भी होते हैं जो अक्सर बच्चे हमसे पूछते हैं कि इसमें अगर रोड मैप तैयार करना है हमको तो किस तरीके से हम लोग रोड मैप तैयार करें. जी किसी का कुछ कुछ सवाल हो तो हम लोग सवालात के सेशंस को, एक्चुअली मेरी आदत थोड़ी ऐसी है कि मैं क्वेश्चन आंसर को जो है लास्ट में लेने की कोशिश करता हूँ, तो कभी कभी थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है. और चूंकि हम बहुत दिनों से ऑनलाइन की आदत हमको नहीं थी, तो ऑनलाइन में इंटरेक्टिव सेशंस को कंडक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उसमें हैंड रेज करना या फिर म्यूट अनम्यूट का इश्यूज होता है. इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे दिगर कोर्सेज के ताल्लुक से, इसके PDS या फिर काउंसलिंग के प्रोसेस के ताल्लुक से. जी वन मोर सेशन इंशा अल्लाह. सर वन मोर थिंग, दैट वन एग्जाम इज एडेड टू द MBBS बैच फ्रॉम 2000, द वन हु इज टेकन द 2019 बैच, सो दे हैव टू गिव नेक्स्ट एग्जाम. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट. सो बिफोर द NEET PG दे हैव टू क्लियर द नेक्स्ट एग्जाम. ओके दिस इज वन मोर एग्जाम व्हिच इज एडेड. ओके ओके. एक एक और एक चीज जो होती है, अक्सर बहुत सारे बच्चे का जब NEET में स्कोर नहीं आता है तो NEET में स्कोर नहीं आने की बिना पर एक सबसे बड़ा मसला ये हो जाता है कि बहुत सारे बच्चे अब बाहर के लिए अप्लाई करते हैं. आप लोगों ने सुना होगा रशिया चाइना या फिर बांग्लादेश का भी बहुत डिमांड चल रहा है, या फिर नेपाल. तो इसके लिए बहुत सारे काउंसलर्स भी है और बहुत सारे काउंसलर बच्चों को अब्रॉड में MBBS करने के लिए भेजते हैं. MBBS की जो पढ़ाई है वहां पर थोड़ी आसान इंडिया के मुकाबले में होती है, क्योंकि एग्जामिनेशन का पैटर्न जो होता है इंडिया के अंदर सबसे टफेस्ट माना जाता है.
और एमबीबीएस की पढ़ाई इंडिया की सबसे टफेस्ट पढ़ाई में से मानी जाती है, तो वहां पर बच्चा एमबीबीएस आसानी से कर लेता है और फीस भी इंडिया के कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें तो इंडिया के कंपैरिजन में बाहर की जो फीस होती है रशिया चाइना या फिर आप जो दूसरे कोर्सेज की बात करें बांग्लादेश की निहायत ही कम होती है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज होता है, आप बच्चे अगर जाते हैं तो उनकी काउंसलिंग करने के दौरान बताते हैं बहुत सारे लोगों को, किसी को पता है अगर तो MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम होता है। अगर कोई बच्चा शबाना मैडम को शायद इसके तलुक से पता होगा। Yes, it's very difficult to clear it. या तो आप अगर कोई बच्चे आपके पास में आ रहे हैं तो आप बराए मेहरबानी उनको एक चीज बता दे कि मैं जितने बच्चों की काउंसलिंग किया हूँ और जितने बच्चे बाहर गए हैं तो उन बच्चों में अक्सर बच्चे से मुझे जो रिपोर्ट मिली है तो उनका ये कहना है कि MBBS जब हमारा एडमिशन हुआ वहां पर तो हमने MCI की एग्जाम की तैयारी जो है फर्स्ट ईयर से शुरू कर दिए थे। यानी जो एग्जाम अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करनी है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का आपको एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो एग्जाम क्रैक करना होता है तभी जाकर आपकी MBBS की डिग्री यहाँ पर प्रैक्टिस के लायक होती है। और तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं उनके पास में ऑप्शन ये हो जाता है कि वो वही सेटल हो जाए या आसपास में कोई अलग कंट्री के अंदर वही प्रैक्टिस करे। इंडिया के अंदर लीगली प्रैक्टिस करना उनके लिए अलाउड नहीं होता है, तो लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसका जो लेवल होता है वो पीजी लेवल होता है। यानी जो इंडिया के अंदर पीजी नीट का जो एग्जाम होता है वो लेवल का MCI कंडक्ट करता है एग्जाम और कोशिश करता है कि अपना रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए उसको टफेस्ट से टफेस्ट बनाने की कोशिश करता है और वो कोशिश करता है कि मैक्सिमम बच्चे जो इंडिया से ही करे क्योंकि कहीं ना कहीं तकलीफें होती है बच्चों को। बहुत सारे दिगर कंट्रीज भी होते हैं जो नीट के स्कोर को वैलिडिटी देते हैं। ओके हाँ तो वो फ्रॉम द थर्ड ईयर ओनली स्टूडेंट्स हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग इफ दे विश टू डू पीजी इन अमेरिका और लंदन then they have to do USMLE and PLAB lab exam they have to start preparing if they are doing MBBS year only agar MBBS ke college mein agar hum log main koshish karunga mera actually plan tha MBBS ka ye medical ka sessions main aaj ka nahi lene wala tha ek mera student hai jo government medical college kalwa thane ke andar jinka admission hua tha gujta 2 saal pehle to maine unse request kiya tha ki hum log as a गेस्ट बुलाकर उनसे लेक्चर्स दिलवाए, उनका नाम फरहान है, लेकिन एन मोमेंट पर उन्होंने मुझे कहा कि मैं ले ही ले सकता हूँ और तो मुझे इस सेशन को कंडक्ट करना पड़ा। हम कि मैं चाहता हूँ कि जितने एक्सपर्टाइज हमारे पास में अवेलेबल है और जो उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं क्योंकि वो बच्चा अभी थर्ड ईयर में है और थर्ड ईयर से उसने MD या MS के लिए जो पीजी नीट का एग्जाम होता है उसकी तैयारी शुरू कर दी है। तो तैयारी के दौरान माशाल्लाह तो जो बच्चे उस प्रोसेस से गुजरते हैं तो वो एग्जैक्टली अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सिमिलरली जब मैं यूपीएससी के गाइडेंस के लिए सोचता था तो यूपीएससी की गाइडेंस करना बड़ा डिफिकल्ट होता था क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम कैसा होता है, पैटर्न कैसा होता है। लेकिन यूपीएससी की तैयारी सिर्फ मैंने एक साल किया, मेरे पास में एक साल का टाइम था 2017-18 के अंदर। एक साल जब मैंने प्रिपरेशन किया तो एक साल की प्रिपरेशन के दौरान इंसान को पता चल जाता है कि आप गाइडेंस के लिए किस चीज के ऊपर फोकस करेंगे किस चीज पे फोकस नहीं करेंगे। नीट के लिए हमारे पास में रजा सर भी है यहाँ पर। रजा सर अकोला के अंदर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और एक अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर कोचिंग क्लासेस में वो अपना सर्विसेस दे रहे हैं। रजा सर आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करेंगे नीट के एंट्रेंस के एग्जाम के तालुक से? मेरे ख्याल से ये रजा सर वो नहीं है, रजा सर आज ज्वाइन हुए नहीं शायद, ये रजा सैयद है, एक रजा शेख है। ठीक है, और किसी का कुछ सवाल है? इसके काउंसलिंग के प्रोसेस में थोड़ा बच्चों को गाइडेंस की जरूरत पड़ती है
बेस्ट कॉलेजेस कौन से होते हैं, और इंडिया के अंदर खास तौर पे इंडिया के अंदर जो बाइफर्केशन किया गया है 15% और 85% का जो कोटा होता है स्टेट लेवल का, तो उसमें उसकी जो अलग अलग काउंसलिंग होती है, तो बहुत सारे बच्चे उस काउंसलिंग में जंबल हो जाते हैं। कभी कभी बच्चों की एक काउंसलिंग पूरी तरीके से छूट जाती है, तो उस वक्त थोड़ी गाइडेंस की बच्चों को जरूरत पड़ती है। और बाकायदा इसके लिए स्पेशल डेडिकेटेड मेडिकल काउंसलर्स भी अवेलेबल है, जो बच्चों को राइट फ्रॉम दी एंट्रेंस एग्जाम की डेट आने से लेकर और काउंसलिंग के लास्ट राउंड तक, एडमिशन तक, सारा प्रोसेस को गाइड करते हैं। अगर इसमें स्पेशलाइजेशन करना है तो बहुत अच्छी चीजें, मतलब अच्छा करियर है एज अ, मैं तो बोलता हूँ कि करियर काउंसलर। इसमें इसमें एक और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है काउंसलिंग के दौरान, वो ये होती है कि रिटेंशन फॉर्म भरना। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर हम काउंसलिंग कर रहे हैं और काउंसलिंग के फर्स्ट ईयर में हैं, मैं कैसे, शबाना मैडम मेरे से ज्यादा अच्छा बताएंगे। जी सर, जी मैडम, आप मैं चाहता हूँ कि जो स्टेट गवर्नमेंट का जो रिटेंशन और नॉन रिटेंशन का जो कॉन्सेप्ट है, आप उसको थोड़ा इलाबरेट करें। या हमारे जब फर्स्ट राउंड होता है और जब नाम आ जाता है स्टूडेंट का, तो अगर इफ वी विश कि हमें यही कॉलेज पसंद है, लाइक जैसे कि माय डॉटर हैड 565 स्कोर वाज, तो मुझे था कि वो घर के करीब ही रहे। हम नेरुल में रहते हैं, नवी मुंबई में, तो जी टेरना मेडिकल कॉलेज इज लाइक 10 मिनट्स। सो आई वॉज लाइक कि हम यहीं पर डाल देते हैं, इवन इफ इट इज अ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा एंड द फीस इज 7,21,000। फिर नेक्स्ट राउंड में आई हैड फिल्ड द रिटेंशन, बट देन इन द नेक्स्ट लिस्ट हर नेम केम इन औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल सीट। जी यस, बट देन आई कंटिन्यूड विद दिस कि नहीं आई वांट टू, बट मेनी स्टूडेंट्स विल गो फॉर द गवर्नमेंट सीट। नाउ माय बेटी है, बड़ी बेटी, पहली बेटी, तो आई कुड नॉट यू नो डू दिस कि मैं उसको भेज दूं। तो बट द ये पीपल डू कि गवर्नमेंट सीट तो फिर 90,000 हो जाती है ना, उसकी फीस काफी फर्क पड़ जाता है। एक और एक चीज जो या है, सो मुझे मैडम की अपना नहीं बात, बनाया कि हाँ जी, जी एक एंड और एक हॉस्टल चीज, में हमें नहीं रखना था। जी 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 ये तो वाली भी बात थी। खैर आपके पास तो थोड़ा 7 लाख का बंदोबस्त था और अफोर्ड कर सकते थे आप, तो बेहतर है। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं पेरेंट्स के जिस बिना पर वो तो फैसला उसमें लेते एक और हैं। चीज थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ई वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का भी सर्टिफिकेट बना लिया था, तो जी जी उन जी लोगों ने फिर 3.5 लाख ही भरा, तो वो भी बेनिफिट हो गया और माशा शहर भी मिल गया एंड और फैमिली का सपोर्ट एंड ऑल दैट इन एमबीबीएस। एमडी एमडी का हम सोच सकते हैं, जी जी अभी तो गो पोस्टिंग भी ये लोगों की आगे विलेज में शुरू हो गई है। तो जी जी रिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या समझ के भरते हैं, गवर्नमेंट दैट इज एमबीबीएस वेरी इंपॉर्टेंट कॉल बाय द पेरेंट्स। एक या और एक चीज मुझे ख्याल आई, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज का एक प्रो है और एक कॉन्स है। अगर मैं प्रो बताऊं उसका, तो प्रो ये है कि सबको पता है कि देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द फीस। अगर मेडिकल कॉलेज की यस फीस 4.5 लाख से शुरू होकर 18 लाख या 21 लाख तक जाती है, इसमें मेरे ख्याल से हमारा जो जामिया है एमबीबीएस कॉलेज, मुस्लिम एमबीबीएस कॉलेज, वहां भी जी 7.5 लाख 8 लाख के करीब फीस है। तो वहां से लेकर अगर आप देगर अक्सर कॉलेजेस की फीस जो है वो 7 लाख 8 लाख तो कॉमन ही है। उसका एमबीबीएस कॉलेज का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है गवर्नमेंट कॉलेज का कि फीस तकरीबन 70,000 के करीब हो जाती है या 1 लाख के करीब हो जाती है। लेकिन यस एक डिसएडवांटेज अगर किसी को पता हो तो वो बोले, नहीं तो मैं बाद में बोलता हूँ। सर, वो बच्चों को धुन देते हैं एकदम, हाँ लाइक दे आर ओवरलोडेड एंड फॉर वन डेड बॉडी, वो जो उनका रहता है ना कैडेवर, उसके हाँ लिए लाइक 25 स्टूडेंट्स एक साथ होते हैं, हाँ ठीक है, वो तो होते स्टूडेंट्स ही को होते एक हैं। कैडेवर का। लेकिन एक प्रैक्टिस के दौरान दूसरा फायदा ये होता है गवर्नमेंट में कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, फुटफॉल बहुत ज्यादा होता है, तो पेशेंट बहुत ज्यादा, वो तो एक एडवांटेज के तौर पर उसके दूसरे सेंस में देखा जाए कि वहां पर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करने को मिलती है, जो कि गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में इतनी नहीं होती है। लेकिन एक डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज ये है कि आपको 2 साल तक अगर आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से डिग्री हासिल किया एमबीबीएस की, तो आपको 2 साल तक के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जॉब करनी पड़ती है। हाँ जो कि शबाना मैडम शायद आप उससे भी बच गए, क्योंकि हाँ, ब्लेसिंग अगर एक हो गई सर। एक गवर्नमेंट कॉलेज में अगर बच्चा एडमिशन लेता है तो गवर्नमेंट उस बच्चे के ऊपर 50 लाख खर्च करती है। एक बच्चे के पीछे 50 लाख खर्च होता है, तब जाके उसकी फीस को वो सिर्फ 1 लाख के करीब रख पाते हैं। ओके तो मतलब 1 लाख फीस लेते हैं तब भी एक बच्चे को एमबीबीएस कराने के लिए गवर्नमेंट को 50 लाख रुपए खर्चा आता है।
उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, डॉक्टर की सैलरी के ऊपर, और जो निजाम होता है उसके ऊपर। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट की उम्मीद होती है कि बच्चा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एज अ मेडिकल ऑफिसर कर अपनी सर्विसेज को दे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर अक्सर विलेजेस के अंदर होते हैं, जहां पर उसको एक साल विलेज में, एक साल छोटे थोड़े बड़े शहर के अंदर या मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर, ये दो साल उसको जॉब करनी पड़ती है, जिसमें उसको सैलरी तो अच्छी खासी मिलती है 50-60 हजार के करीब, लेकिन उसको छोटे मोटे रिमोट प्लेसेस के अंदर भी उसका अपॉइंटमेंट होता है, उसको वहां जाकर जॉब करनी पड़ती है। इस बैच के साथ तो ये हुआ है बिकॉज़ ऑफ द पेंडेमिक की फोर्थ ईयर स्टार्ट भी नहीं हुआ है एंड पोस्टिंग टू द विलेज हैज स्टार्टेड। जी, और उसका दूसरा, और उसका दूसरा मसला ये है कि बहुत सारे बच्चे अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो उनको उनको कुछ अमाउंट जो होता है वो पे करना पड़ता है। वो कितना अमाउंट है? 10 लाख। हाँ, अभी वो 10 लाख हो गया, पहले वो थोड़ा कम अमाउंट था, तो बच्चे आसानी से उसको देकर पीजी करने चले जाते थे या छोड़ देते। नेक्स्ट बैच का हमने सुना है 35 लाख हो गया है। हाँ, तो अभी जो उसका जो खतरनाक जो उसमें इंक्रीज किया गया है, मतलब कंपल्सरीली, तो गवर्नमेंट कॉलेज का जो 2 साल का जो बॉन्ड का जो इश्यू है उसको अगर आपको तोड़ना है तो आपको हो सकता है कि ज्यादा पैसे भी देने पड़े। ये थोड़ा डिसएडवांटेज होता है, लेकिन वक्ती तौर पर हम लोग डॉक्टर बन जाते हैं और हमारी जरूरत जो होती है कि हमारे को जो इतना अमाउंट फीस का जो गैदर करना पड़ता है अलग अलग ट्रस्ट के पास जाकर, अलग अलग जगह लोगों से उधार लेकर, वो देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और MBBS कॉलेज गवर्नमेंट से करना बोले तो अपने आप में एक अलग कमाल होता है, एक अलग प्राइड की बात होती है। मैं हमारे साथ में रजा सर भी है। रजा सर अकोला में नीट की कोचिंग क्लासेस लेते हैं और अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे नीट के एंट्रेंस एग्जाम के ताल्लुक से। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। एक्चुअली आई वाज इन, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके, इट्स ओके सर, इट्स ओके सर। ठीक है, और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं या और कोई चीज डिस्कस करनी है, अदरवाइज वी विल एंड दिस सेशन। ठीक है, एक कुछ जो हमारा फर्स्ट लेक्चर से समथिंग जो 85% का मैं बताना चाहूंगी कि वो स्टूडेंट्स का डोमिसाइल जरूर बना लिया जाए, तभी वो लोग एलिजिबल होते हैं फॉर स्टेट लेवल। अदरवाइज फिर जो स्टूडेंट्स का डोमिसाइल नहीं होता स्टेट, नहीं नहीं हम लोग फिर ऑल इंडिया कोटा में ही उनको जाना पड़ता है, बड़ी परेशानी हो जाती है। जी, मैं इसलिए उसके ऊपर बात नहीं किया कि हम लोग काउंसलिंग के लिए डेडिकेटेड एक लेक्चर लेने वाले हैं और वो उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, या तो हम लोग कुछ सेशन विल ओपन एंड ऑल दैट। या जी जी जी, सो एनी वन इज जस्ट टेल द स्टूडेंट टू मेक द डोमिसाइल। जी जी जी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या नेशनलिटी सर्टिफिकेट, तो अगर इसके लिए मैंडेटरी क्राइटेरिया में डोमिसाइल में क्या है बेनिफिट, वो स्टेट में मिल जाएगा आपको 85% इज लाइक बिग थिंग, तो उसमें मिल जाएगा सीट। एंड ऑल इंडिया कोटा में बहुत रिमोट में चला जाता है अनलेस अंटिल यू हैव स्कोर्ड मोर देन 600। जी जी जी, या आजकल तो आई जस्ट वांट टू से अबाउट द डोमिसाइल, वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल तो 600 पे पर भी आपको अच्छे कॉलेजेस मिल रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। एक्चुअली सर, यस जी जी, ठीक है। लास्ट जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था ना, उसमें एक चीज हमने कहा था कि हम लोग थोड़ा असाइनमेंट की कोशिश करेंगे, वो असाइनमेंट की कोशिश यहाँ पर डिस्कस नहीं हो पा रही है, तो हम लोग में बीच में एक कोई सेशन या कुछ एक लिंक आपको दूंगा जिसमें आपको असाइनमेंट वहां पर सबमिट कर सकते हैं आप लोग, ताकि फिर जो बीच का जो वक्फा है उसमें मुझे वक्त मिले उस असाइनमेंट को चेक करने के लिए। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो मखसूस फील्ड होती है इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल के नंबर ऑफ ऑप्शंस जो अवेलेबल है या बेस्ट कॉलेजेस या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके ताल्लुक से आप इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, लेकिन शायद आप लोग भूल गए उसको, किसी ने शेयर नहीं किया। आप अपने सवाल जो है ना वो ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सो शुड वी एंड दिस सेशन? यस सर। जी जी, जज़ाकअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।